हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि भारत और कनाडा के जो रिलेशन है इस समय ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो चुके हैं कि कनाडा ने भारत को एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया है जिसको हम कह सकते हैं दुश्मन लिस्ट में, और दूसरी तरफ खालिस्तानियों के द्वारा भारत का जो हिंदू टेम्पल है कनाडा के अंदर उस पर अटैक किया गया है और वहाँ पर हिंदुओं को पीटा गया है, ना केवल खालिस्तानियों द्वारा बल्कि कनाडा की जो पुलिस है उसके द्वारा भी। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक देते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसा कि पता है आप लोगों को याद हो कि एक साल पहले जो कनाडा के अंदर एक हिंदू टेम्पल था उस पर अटैक किया गया था खालिस्तानियों के द्वारा। अब उस पर तो अटैक किया गया, आप यहां पर देख सकते हो अनोदर हिंदू टेम्पल। इसका मतलब क्या है कि इससे पहले भी हिंदू मंदिर पर अटैक किया गया था। आप ये तारीख देखिए, अगस्त 13 और 2023 की बात है, लेकिन अभी क्या हुआ, आज ही के दिन सुबह ही सुबह एक और हिंदू टेंपल पर खालिस्तानियों द्वारा अटैक कर दिया गया कनाडा के अंदर, और वहां पर काफी ज्यादा हिंदुओं को पीटा गया जो वहां पर भक्त गए थे पूजा करने के लिए, वहां पर उन लोगों को पीटा गया। अब इस समय देखा जाए, ये बताया जा रहा है वहां के जो लीडर बोल रहे हैं कि एक रेड लाइन होती है उसको क्रॉस कर दिया गया है खालिस्तानियों को द्वारा कनाडा के अंदर। वहीं दूसरी तरफ ये जो खालिस्तानियां हैं इन्होंने ना केवल वहां पर हिंदुओं को पीटा बल्कि छोटे बच्चों को, औरतों को वहां पर टारगेट किया गया, उनको पीटा जा रहा था खालिस्तानियों को द्वारा। आप ये देखिए ट्विटर पर किस तरह से ट्रेंड कराया गया कि कनाडा के ब्रैम्पटन में एक हिंदू मंदिर में पूजा कर रहे हिंदुओं पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा अटैक कर दिया गया। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए, मैं इस वीडियो को कुछ कट कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लड़ाई झगड़े यहां पर दिखाए जाए, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसी होती है। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। Oh shit. Oh shit. Oh man. चलो बस चलो यार, ये क्या हो रहा है? तो आपने ये वीडियो देखी तो आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से खालिस्तानी वो घुस जाते हैं हिंदू मंदिर के अंदर और वहां पे जो भक्त होते हैं पूजा करते हैं उन पर अटैक किया जाता है। मोस्टली ये भी बताया गया जो भक्त होते हैं वो जाके मंदिर के अंदर छुप भी गए थे, लेकिन खालिस्तानियों द्वारा उन पर अटैक किया गया। दूसरी तरफ देखो, ना केवल खालिस्तानियों द्वारा बल्कि ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो न्यूज में काफी ज्यादा दिखाई जा रही है कि जो कनाडा की पुलिस है उसने भी जो हिंदू हैं उनको पुश किया, उनको पीटा, मतलब जो लाठी डंडे होते हैं उसके माध्यम से, मतलब ये बताया जा रहा है कि उन पर घूसों से वार किया गया कनाडा की पुलिस के द्वारा। अब ये कनाडा की पुलिस हिंदुओं के साथ ऐसा वहां पर कर रही है, तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि इनको श्रेय किसका दिया जा रहा होगा, किसका सपोर्ट किया जा रहा होगा, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो इस समय भारत के विरोध में अंधाधुंध बोलते हैं, बेफिक्र होकर बोलते हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर आप देख सकते हो ये जस्टिन ट्रूडो का ही श्रेय आप यहां पर कह सकते हो। मोस्टली मीडिया द्वारा यही बताया जा रहा है, क्योंकि भारत को दुश्मन लिस्ट में डालने वाले और कोई नहीं थे, ये वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ही हैं, और जब से भारतीयों पर अटैक किया जा रहा है उनको नफरत की दृष्टि से देखा जा रहा है और खालिस्तानियों को वहां पर काफी ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है। वहीं देखा जाए जो भारत का हाई कमीशन है उसने भी इसकी काफी ज्यादा निंदा की है और चिंता जताई है कि ये जो खालिस्तानी है इनके द्वारा जो मंदिर के अंदर घुसकर हिंसा की गई है कनाडा के अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। यदि आप देखो ट्विटर पर जाके जो भारत का हाई कमीशन है उसके द्वारा ये ट्वीट किया गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया इन कनाडा और हाई कमीशन ऑफ इंडिया, ये ओटावा के अंदर है कनाडा में, तो ये देख सकते हो जो हिंसा हुई है ये काफी ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, और ये ट्वीट भी किए गए हैं। यहाँ पर देखते हो एमई के द्वारा, ये वो लेटर है जो हाई कमीशन द्वारा जारी किया गया है। ये देख सकते हो हाई कमीशन में इकट्ठा हो चुकी है पब्लिक वहां पर जो खालिस्तान द्वारा अटैक किया गया, उसके बाद ये सभी के सभी वहां पर पहुंच जाते हैं हाई कमीशन के अंदर और वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और गुहार लगाई जाती है कि इनकी रक्षा की जाए। ये वो लेटर है, आप यहाँ पर देखते हो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यदि आप यहाँ पर देखो कि इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, मतलब ये काफी ज्यादा निराशाजनक था कि ये जो डिस्टर्बेंस हिंदू मंदिर पर अटैक किया गया है खालिस्तानियों के द्वारा ये काफी शर्मनाक है और इस पर कार्रवाई करने की बात की गई है इस लेटर के माध्यम से, यहां पर बताया गया है। तो कुल मिलाकर यदि आप लोग यहां पर देखा जाए तो भारत और कनाडा के रिलेशन इस समय काफी ज्यादा ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं, ऐसे नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं कि इस समय कहना
कुछ भी हो सकता है भारत और कनाडा के बीच में, क्योंकि कनाडा ने भारत को एक ऐसे लिस्ट में डाल दिया है, दुश्मन लिस्ट में, यानी साइबर लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि कनाडा की तरफ से भारत पर कि भारत द्वारा साइबर अटैक किया गया था कनाडा पर, और न केवल भारत को बल्कि चीन को और रशिया को भी कनाडा द्वारा एक साथ इसी लिस्ट में डाल देना। तो आप यहां पर समझ सकते हो कि कनाडा के जो इस समय पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो पूरी तरह से एंटी इंडिया हो चुके हैं, और इसका जो मुख्य कारण है, ये मुख्य कारण है खालिस्तानी। दूसरी तरफ आप यदि इस वाली वीडियो को देखो, जो मोस्टली जो हिंदू हैं वहां पर इकट्ठा हुए हैं और वहां पर मंदिर के अंदर जाकर नारे लगाए गए हैं, और वे नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं जो कभी योगी के द्वारा इंडिया के अंदर बोला गया था कि बटोगे तो कटोगे। अब ये नारे कनाडा के अंदर पहुंच चुके हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए किस प्रकार ये बात बोली जा रही है। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है, ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ, ये हमला पूरे पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। जी के बात ऊपर चल चल दे हैं। दो घंटे तो टैक्स तारे धर्म का तो हेलो जी धर्म है तो हम भाई समय आ गया है, देखते हैं आज समय आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा, सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का तो आपने ये वीडियो सुनी तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस समय हिंदू ना केवल भारत के अंदर बल्कि कनाडा के अंदर भी इकट्ठा होने लगे हैं और नारे दिए जा रहे हैं बटोगे तो कटोगे, मतलब एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ऐसी बात वहां पर बोली जा रही है। तो फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थे, आप लोग कैसे लगे जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, थैंक यू।